जाता है कि माता लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आपके घर पे आ जाती है। दोस्तों, झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है और माना जाता है कि जिस घर में पूरी तरह से साफ सफाई रहती है वहाँ पर सभी प्रकार के वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं और उस घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास रखता है। दोस्तों, अखंड धन संपत्ति पाने के लिए आपको झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। एक छोटा सा प्रयोग आपको बता देती हूँ कि झाड़ू का आपको क्या करना है। आपको करना है झाड़ू का दान। दोस्तों, उस दिन दिवाली के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन झाड़ू खरीद कर इसे पूजा करके अगले दिन इस्तेमाल करना चाहिए। झाड़ू के सही इस्तेमाल से घर के बहुत सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं हमारी झाड़ू को लेकर के, और जब हम धर्म की बात करें तो दो झाड़ू का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। अगर जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में माता लक्ष्मी का अपमान होता है। दोस्तों, दिवाली के दिन अगर स्थायी लक्ष्मी का वास चाहिए तो आपको मंदिर में शुभ मुहूर्त में झाड़ू दान करना चाहिए। कैसे दान करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह सूर्योदय के समय आपको 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करना है। बिना किसी को बताए करें, अगर घर में कोई ऐसा मेंबर है क्लोज फैमिली वालों को, बट ऑफकोर्स पता रहेगा, आप अपने पति को पत्नी को बता दें, पहले से ही बता दें ताकि आपको ऐन वक्त पे कोई ना टोके। अर्ली मॉर्निंग जा करके झाड़ू दान करना है आपको, और मंदिर में झाड़ू दान करने के लिए शुभ मुहूर्त में करें, ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, जैसे कि दिवाली वाले दिन। आप चाहें तो कोई और भी शुभ योग में इसको कर सकते हैं, जैसे कि पुष्य नक्षत्र हो, रवि नक्षत्र हो, या फिर कोई भी त्यौहार पे अनपूछा मुहूर्त होता है जैसे दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, आखा तीज हुआ, तो इस दिन दान की महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू का दान करने से, और जिस दिन भी आपको ये काम करना है, जैसे दिवाली वाले दिन करना है आपको ये काम, तो उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद करके ले आनी है। जब भी दोस्तों आप मंदिर जाएं, तीनों झाड़ू को प्रणाम कर ले, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर ले कि हे माता रानी, मैं ये झाड़ू मंदिर में दान कर रहा हूँ, मेरी मनोकामना, मेरी धन संबंधी जो भी रिलेटेड समस्या है वो आप दूर करें। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन किसी नए घर में भी प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नई झाड़ू को ले करके ही घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख और समृद्धि का वास रहता है। दोस्तों, झाड़ू को खुला रखना अब शगुन माना जाता है। मुख्य द्वार पर कभी भी झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। जब घर में झाड़ू आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे नजर के सामने ना रखें। नॉर्थ दिशा की तरफ आप झाड़ू को छिपा करके रखें। दोस्तों, आपको ध्यान रखिए झाड़ू को कभी भी पूजा घर, भंडार गृह, बेडरूम में, ये सब में नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में झाड़ू को रखने से वैवाहिक जीवन में अनबन शुरू हो जाती है। आड़े दिन अगर त्यौहार पे तो चलिए आप वेडनेसडे को झाड़ू खरीद लेंगे, थर्सडे को दिवाली है, पर आड़े दिन अगर आपको झाड़ू खरीदना है तो हमेशा कड़े वारों को खरीदना चाहिए। कड़े वार कौन से? ट्यूसडे, सैटरडे और संडे को खरीदना चाहिए। और जब भी आप झाड़ू खरीदें हमेशा ऑड नंबर्स में खरीदें, इवन नंबर्स में नहीं खरीदें। इसका मतलब हुआ कि 1, 3, 5, 7 ऐसी गिनती में झाड़ू खरीदें। कभी भी आपको 2, 4, 6 इस तरह से झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए।